इसको बड़ा ही बहुत ही अनयूजुअल चीज़ें के दौरान से देखता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायपालिका है। हमारे संविधान में जो तीनों स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हमारे भारत की न्यायपालिका इतनी इंडिपेंडेंस है, और कभी देखिए इस तरह की कोई, चाहे फैसला देने में, चाहे कार्यप्रणाली के मामले में, बहुत निष्पक्ष और बहुत ही ऐतिहासिक इनका नाम रहा है जी। ये जो घटनाएं हुई हैं, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम पर हमेशा कूद कर इतना उत्सुक होकर आप सामने आते हैं, ऐसा लगता है सारे वो भ्रष्टाचार निवारण के और जुडिशियल रिफॉर्म के वही मसीहा हैं जी। मैं मानता हूँ ये कंपेन फॉर जुडिशियल रिफॉर्म एंड अकाउंटेबिलिटी जुडिशियल रिफॉर्म, कुछ लोग इसको बनाया है, कुछ लोग इसके सदस्य हैं, वो आए दिन एक नए कोई पिटिशन लेके आ जाते हैं। ये मामला जो सामने आया है, ये था जो फॉर्मर जज या कोई सिटिंग जज उसके नाम पर कोई घूस ले लेता है या कोई उसमें एलेज्ड इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसके लिए क्या कार्यपाली जाए। मेरा कहना है जी, कोई भी जज, देखिए वो केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर, उसी के केवल इम्यूनिटी प्राप्त है संविधान के अंतर्गत, और कोई जुडिशियल ऑफिसर यानी जज कहीं का भी हो, यानी चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई पदाधिकारी प्राइम मिनिस्टर तक हो, अगर कोई मान लीजिए अपराध करता है, चाहे भ्रष्टाचार करता है या कोई पेनल कोड में अगर कोई उसके द्वारा कोई अपराध हो जाए होता है, तो उसको इंडियन पेनल कोड या डिफरेंट जो प्रिवेंटिव ऑफ करप्शन एक्ट या और कोई जो पेनल कोड है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। इसमें मान लीजिए अगर भूतपूर्व जज ने, मान लीजिए मेडिकल काउंसिल के यहाँ उन्होंने नहीं मान्यता दी और कुछ ही प्रसाद जो ट्रस्ट था उसको मान्यता देने के लिए कुछ कार्रवाई हो रही थी, अप्रोच हो रही थी, कोर्ट में केस आया, सुप्रीम कोर्ट तक आया और उसमें डायरेक्शन हो गया, उस समय सुप्रीम कोर्ट में कोई केस पेंडिंग नहीं था जी। और इसमें ये बात आई कि मान लीजिए कोई घटनाक्रम में सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की, रेड किया, उसमें पैसे भी बरामद हुए, उसमें एक फॉर्मर जज का कभी नाम आया हाई कोर्ट के, उनको अरेस्ट भी किया गया, उनकी बेल हो गई, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई। अब ये हुआ कि अब ये कूद कर ये आना, ये दिखाना कि साहब इसमें इनके समय में कुछ, ये जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके समय में कुछ केसेस मेडिकल के लगे हुए थे, अब ये कह देना कि साहब इनका एलिजिबल इन्वॉल्वमेंट है बिना किसी बुनियाद के, एफआईआर में नाम नहीं है और एक पिटीशन डाल दी गई। पिटीशन जब किसी जज के पास चली गई तो जनरली देखे रोस्टर सिस्टम में ही होता है। हम देखे एक्टिंग चीफ जस्टिस, इतना मैं जानता हूँ सुप्रीम कोर्ट की बात, हमारे ब्रदर ऑनरेबल जस्टिस भवन सिंह साहब बताएंगे, उन्होंने डिफरेंट कैपेसिटी में देखा है, समझा है। हमेशा ये होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो भी चीफ जस्टिस होता है, मास्टर ऑफ द, वो होता है जो उसका प्रेरोगेटिव होता है, कौन किस सब्जेक्ट का केस किस बेंच में जाएगा, कौन सुनेगा, इवन पार्ट हर्ड मैटर वो खींच कर दूसरे बेंच में कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब लेकिन ऐसा होता है, मेंशनिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ होती है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाहर होते हैं या किसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठे हैं, तो दो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है, उसके यहाँ मेंशनिंग होती है। इसमें 9 तारीख 8 तारीख के कोई केस इसमें मेंशन TIL फाइल हुई, ये कि देखे इसमें एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी जाए, एक पैरेलल टीम इन्वेस्टिगेशन बना दिया जाए जो इन्वेस्टिगेशन करे, बांध दीजिए केस फाइल कर दिया गया, वो यूजुअल कोर्स में लग गया कहीं। दूसरे ही दिन उन्होंने देखा कि ये सेकंड ऑनरेबल जस्टिस चलमेश्वर जो सीनियर मोस्ट सेकंड जज हैं, उनके यहाँ मेंशन ही कर दिया, ये ऑनरेबल जस्टिस सिकरी साहब के यहाँ गया, उन्होंने कहा कि ये ऑनरेबल CGI जिसको कॉन्स्टिट्यूट करें बेंच, वहां लगना चाहिए।